और अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां डीडीसी के दूसरे चरण के चुनाव में आज जम्मू की 18 और कश्मीर की 25 सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन हम आपको जम्मू कश्मीर में बदलाव की वोटिंग का जुनून दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर सुनकर आप समझ पाएंगे कि जम्मू कश्मीर अब किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये चेहरा देखिए, उंगली दांतों के बीच दबी है, मतलब दिमाग कुछ सोच रहा है, शायद थोड़ा डर भी है। लेकिन ऐसे तमाम चेहरों ने हिम्मत से डर को हरा दिया, जो विकास खोजने निकला वोट की ताकत से। ये रफीका है, जो कहती है कि बड़े शौक से अपने गांव के लिए वोट डालने आए हैं। रफीका ने एक और बात भी कही, आपको जरूर सुननी चाहिए। हम अपने गांव में डेवलपमेंट चाहते हैं, हम अपने गांव में जो बेरोजगारी है यहां पे वो दूर करना चाहते हैं। हम बड़े शौक से वोट डाल रहे हैं, बहुत अच्छे से वोट डाल रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे बहने ऐसे वोट डालने आए थे, कभी ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। आज अपने शौक से वोट डाल रहे हैं सभी और डेवलपमेंट चाहते हैं। श्रीनगर के एक दूर दराज इलाके का गाँव है बालहमा, जहाँ पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में खड़ी महिलाएं देख कर रफीका गर्व महसूस करती है। तो वही एक नागरिक ऐसा भी है जिसे वोट डालने का अधिकार तो करीब 20 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन बदलाव के लिए वोट डालने का मौका पहली बार आया है, और ये शख्स है इम्तियाज। साल से मतलब लास्ट टू डेकेड से मेरा वोट चल रहा है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। बस ये सोच के कि कोई मतलब इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए अपने इस गाँव में, कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पुरानी सरकारें जितने भी आई है लिटरली वो अपने घर के लिए काम कर रहे थे अभी तक, लेकिन अभी जो मैं हम कास्ट वोट जो अपने वोट हम कॉस्ट कर रहे हैं, वो बस यही है कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट को मैं अपना वोट कॉस्ट करना चाहता हूं। इम्तियाज की तरह बालहामा के रहने वाले अमीन वानी भी यही कहते हैं कि पुरानी सरकारें सिर्फ अपने घर भर रही थी, विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हो रही थी यहाँ पे, चाहे एनसीओ हो, पीडीपी हो या बाकी पार्टियां, उन्होंने तो अपने घर भर दिए। अब जरा वोट डालने के लिए लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे सोहेल अहमद वानी की बात भी सुनिए कि आखिर उनके लिए ये चुनाव उम्मीद का चुनाव कैसे है। हर किसी चीज में, यानी कि तालीम के हिसाब से, रोड के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, जो भी हम चाहते हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पूरी, तभी तो हम आज वोट देने आए। इन लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी भी नहीं थी कि पुरानी सरकारें अब तक पूरा ना कर सकी, बल्कि इन्हें तो सिर्फ अपने हिस्से का विकास चाहिए था। बालहामा के इस पोलिंग बूथ पर कश्मीरी पंडित केवल कृष्ण भी वोट डालने आए हैं, लेकिन उनका मुद्दा भी कुछ अलग नहीं था। आपको सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। डीडीसी से क्या फायदा होगा? वो गांव की डेवलपमेंट होगी और क्या। किस किस्म की डेवलपमेंट चाहते हैं? रोड होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, ग्राउंड होगा, कुछ नहीं है यहाँ पर क्या है। बदलाव के लिए वोट डालने का जुनून ऐसा था कि किसी ने जिंदगी के सबसे खास दिन में भी वोट डालने के लिए वक्त निकाला। जम्मू के उधमपुर जिले के पंचौरी इलाके में शादी के फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन वोट डालने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव जागरूकता का चुनाव है, बदलाव की इबारत का चुनाव है। ये चुनाव है विकास की कहानी लिखने वाली स्याही, जो वोट डालने के लिए लंबी कतार में खड़ी परमीन की मुस्कान भी कहती है, आंखों में दिखने वाला गर्व भी कहता है। आमीन के लिए भी मुद्दा विकास है, इम्तियाज ने भी बदलाव के लिए वोट डाला है, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, अपने जम्मू कश्मीर का विकास। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।